जय श्री कृष्ण न्यूज फॉर काठियावाड़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर इनाउजा, मुंबई से इंटरनेशनल एस्ट्रो फाउंडेशन वुमेन्स प्रेसिडेंट, कॉस्मिक एनर्जी सेंटर रजिस्टर, साई बिजनेस क्लब एसोसिएशन। तो आज हम देखने जा रहे हैं हेमंत शास्त्र के ऊपर ये वीक का प्रेडिक्शन मेष से मीन राशि का। तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं मेष राशि। तो ये वीक के लिए मेष राशि क्या कहती है। मेष राशियों के लिए 15वां भाव आ रहा है, तो 3, 7, 11 भाव से कनेक्टेड हो रहा है। तीसरा भाव, कहीं पे छोटी ट्रैवलिंग होने वाली है भाई बहनों के साथ या तो पड़ोसियों के साथ, पराक्रम भी दिखाने वाले। सातवां भाव दिखा रहा है कि कहीं पे युवक युवतियों की शादी के योग भी बन रहे हैं, कहीं पे कुछ बिजनेस में पार्टनरशिप भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा है, मीडिया में भी आ सकते हो, जाहिर जीवन में भी आप आ सकते हो। 11 नंबर कहीं पे लक्ष्मी के योग भी प्राप्ति हो रही है, तो बहुत ही अच्छा वीक है ये आपके लिए। लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है, शेयर मार्केट द्वारा भी हो सकती है, कहीं पे मित्र द्वारा या तो बहु दामाद द्वारा भी हो सकती है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, और ये भी आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, पार्टनरशिप करना चाहते हो, कर सकते हो। हो सके तो आपको क्या करना है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है गायत्री मंत्र के साथ, हो सके तो गाय को हरा घास खिलाइए, और आपके घर के जो साउथ ईस्ट दिशा है वहाँ पर आपको घी का दिया जलाना है, और हो सके तो रेड रोज माता जी को और दाड़म धराइए, तो उससे काफ़ी परेशानी आपकी जो दूर हो जाएगी और लाइफ में सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाएगा। अभी आ रही है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 10वां भाव दिखा रहा है, तो कहीं पे आप माता का टेंशन रहे हो या तो कुछ भी नया बिजनेस हो गया, तो खुद अपना अपॉर्चुनिटी करना चाहते हो तो कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है ईस्ट दिशा से, हो सके तो आपको क्या करना है, ईस्ट दिशा में आपको घी का दिया जलाइए, और वहाँ पे हो सके तो रेड कांच की कटोरी लेके या तो प्लास्टिक की कटोरी लेके वहाँ पे गेहूँ रख सकते हो, और वीकली चेंज करके ईस्ट दिशा में वहाँ पे 2 कपूर और 2 अगरबत्ती जलाइए, उससे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज और येल्लो कलर। अभी आ रही है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 11वां भाव दिखा रहा है, तो 11वां भाव से कनेक्टेड कहीं लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मित्र द्वारा या तो बहु दामाद द्वारा, कहीं पे कुछ नया करने का सोच रहे हो बच्चों के द्वारे में, तो शेयर मार्केट अभी 50-50% दिखा रहे, ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, जो करे सोच समझ कर आगे बढ़ना। ये वीक के लिए लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 2 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर, ऑरेंज कलर। हो सके तो आपको क्या करना है कि नॉर्थ वेस्ट दिशा आपकी घर की जो है वहाँ पे आपको चंद्र के दर्शन करने हैं, और हो सके तो वहाँ पे 2 कपूर और 2 लौंग जला दीजिए, तो वहाँ की जो नेगेटिविटी एनर्जी है तो वो चली जाएगी। हो सके तो चंद्र के दर्शन करना है तो उससे आपको काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। लकी नंबर मैंने बताया 1 कलर और वाइट कलर और ऑरेंज कलर। अभी आ रही है कर्क राशि। तो कर्क राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 8वां भाव दिखा रहा है, तो कहीं पे आपको माल मिलकत या तो खजाना गड़ा हुआ खजाना भी प्राप्त हो रहा है, कहीं पे कुछ नया होने जा रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपको मकान माल मिलकत सब मिल रहा है। थोड़ा पैर के घुटनों और पैर में मोच ना आए वो खास ध्यान रखें, थोड़ा आपको उसमें ध्यान रखना है ये वीक के लिए। हो सके तो सरसों के तेल की मालिश करनी है, और हनुमान जी के मंदिर पर जाकर वहाँ पर आपको सरसों का तेल हनुमान जी को चढ़ाना है, आंकड़े का हार चढ़ाना है, और हो सके तो वहाँ बैठ के 5 हनुमान 40 कीजिए, का जो भी परेशानी आने वाली वो दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा आपका 8 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका ब्लू, पर्पल कलर और ब्लैक कलर। अभी आ रही है सिंह राशि। तो सिंह राशि ये वीक के लिए क्या कहती है। 2रा भाव दिखा रहा है, तो कहीं पर फैमिलियों के साथ घूमने का प्लानिंग हो रही, कहीं पर कुछ साथ में बैठ के मिल मलकत के वास्तव बिल के बारे में सोच रहे हो, तो कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, और वाणी में संयम रखना है, लक्ष्मी प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। लकी नंबर रहेगा आपका 2 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका व्हाइट कलर। हो सके तो आपको क्या करना है कि थोड़ा चंद्र दर्शन, तो आपकी जो कुल देवी रहती है उसे आपको कुछ चढ़ावा, माता जी को चढ़ावाने आपका काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आपको कुछ मन्नत लेके आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हो सके तो घर की साउथ ईस्ट दिशा को क्लीन कीजिए, वहाँ पर 11 गोमती चक्र 11 व्हाइट शंख जो आते हैं कौड़ी वो रख सकते हो, तो उसे काफ़ी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है कन्या राशि। तो कन्या राशि ये भी के लिए क्या कहती है। 9वां भाव दिखा रहा है, तो कुछ भाग्य आपके साथ हो रहा है, भाग्य आपके खुल रहे हैं, कुछ बिजनेस टूर भी हो सकती है बड़ी, या तो धर्म की यात्रा भी हो सकती है, कुछ ना कुछ नया हो रहा है, संतान के बारे में सोचे हो, दत्तक संतान भी ले सकते हो, और कुछ आपके मूव होने के चांसेस हो रहे हैं, तो घर के चेंज भी हो सकता है। लकी नंबर रहेगा आपका 9 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका रेड और ऑरेंज कलर। हो सके तो आपकी घर की जो साउथ दिशा है
वहां पे सरसों का तेल का दिया जलाना है और दो मसाला पान धराना है भगवान को भोग में और पितृदेव को, हो सके तो आपको वहां पे वो प्रसाद के तौर पे ले लीजिए तो काफी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। अभी आ रही है तुला राशि, तो तुला राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 14वां भाव दिखा रहा है तो 14वां भाव से कनेक्टेड दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव हो रहा है तो कहीं पे फैमिली में कोई बीमार होने की शक्यता हो सकती, कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं या तो कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते, कहीं पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो इन्वेस्ट फैमिली के साथ होके भी बिजनेस करना चाहते हो तो वो भी कर रहे हो, तो लेकिन सोच समझ कर करना है, एग्रीमेंट बिना एग्रीमेंट के कोई भी काम नहीं करना है, आगे बढ़ना है जो भी करे फैमिली के साथ सोच समझ कर करना है, फैमिली हो का चाचा मामा मासी फिर भी एग्रीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, हो सके तो आपके घर की जो साउथ वेस्ट दिशा है वहां पे आ रात को आपको 2 अगरबत्ती जलानी है और हो सके तो वहां पे 11 गोमती चक्र, 11 कौड़ी येलो कलर की तो वो रखने से काफी परेशानी दूर हो जाएगी। कलर रहेगा आपका ऑरेंज, येलो कलर, पर्पल कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर, और हो सके तो गाय को हरा घास खिलाइए। अभी आ रही है वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 7वां भाव दिखा रहा है वृश्चिक राशियों के लिए तो कहीं पे युवक युवती के शादी के योग भी बन रहे हैं, कहीं पे आपको आपकी वाइफ की टेंशन हो रही है, कुछ ना कुछ आप थोड़ा सोच रहे हो तो थोड़ा जो भी कार्य आपका है वो थोड़ा स्लोली होगा और सोच समझ कर आगे बढ़ना है, और कहीं पे आप पॉलिटिक्स में जाने की सोच जाए जीवन में आने के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़िए ये वीक के लिए, हो सके तो आपको आपकी घर की जो वेस्ट दिशा है वहां पे आपको बैठ के सरसों का तेल का दिया जलाना है, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपकी काफी परेशानी आपकी दूर हो जाए, और हो सके तो शाम के टाइम पे वहां पे दिया करना जरूरी है, अच्छा रहेगा। और घर की जो दहलीज रहती है वहां पर आपको सरसों कपूर और एक लौंग मिट्टी के दिए में जलाना है, उससे भी काफी सक्सेसफुल मिलना चालू हो जाएगा, और हो सके तो सैटरडे के दिन आपको गरीबों को तली हुई चीजें जैसे बटेटा वड़ा है वो खिलाइए या तो मेंदू वड़ा है वो खिलाने से आपकी काफी परेशानी दूर हो जाएगी और शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। लकी नंबर रहेगा 7 नंबर, और हो सके तो जो भी भगवान को मानते हो वहां पे ध्वजा चढ़ाना जरूरी है। लकी कलर रहेगा मिक्स एंड मैच। अभी आ रही है धनु राशि, तो धनु राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 16वां भाव दिखा रहा है तो 4, 8, 12 भाव से कनेक्टेड हो रहा है, कहीं पे कुछ नया होने जा रहा है, घर चेंज हो सकता है, घर नया लेने की बात हो सकती है, कार लेने के बारे में या तो बच्चों के एजुकेशन के बारे में हो सकता है। 8वां भाव से कहीं पे मिल मालकत मिल रही है, कहीं आपके पैरों के प्रॉब्लम हो सकते हैं, घुटनों के दर्द या तो पैरों के मोच आ सकती है। 12वां भाव से कनेक्ट हॉस्पिटल के खर्चे हो सकते हैं, फॉरेन के योग भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या तो जेल कचहरी के मामले भी हो सकते हैं, कहीं पे आप अपना बेडरूम रिनोवेशन करवाने के बारे में सोच रहे हो तो जो भी करे सोच समझ कर आगे बढ़ना है। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, लकी कलर रहेगा येलो कलर, ऑरेंज कलर, व्हाइट, हो सके तो सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना है गायत्री मंत्र के साथ, और साउथ ईस्ट दिशा में हो सके तो आपको वहां पे भगवान को माता जी को मिठाई धरानी है, व्हाइट मिठाई धरानी है, उससे काफी परेशानी दूर हो जाएगी, और कुछ ना कुछ गाय को हरा घास खिलाइए, उसमें से बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी आ रही है मकर राशि, तो मकर राशि ये भी के लिए क्या कहती है, 3रा भाव दिखा रहा है मकर राशियों के लिए तो 3रा भाव छोटे भाई बहनों के साथ ट्रैवलिंग हो सकती है, पड़ोसियों के साथ भी हो सकती है, पराक्रम भी दिखा सकते हो। लकी नंबर रहेगा आपका 3 नंबर, लकी कलर रहेगा आपका येलो कलर, आपके घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहां पे आपको बहुत ही शुद्ध रखना है, वहां पे कोई भी लोखंड की चीजें नहीं रखनी है, हो सके तो वहां पे पीली चने की दाल वहां पे एक छोटी कटोरी में रखिए तो परेशानी दूर हो जाएगी। लकी नंबर रहेगा 3 नंबर, कलर येलो कलर। अभी आ रही है कुंभ राशि, तो कुंभ राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 12वां भाव दिखा रहा है, कहीं पे फॉरेन की यात्रा हो सकती है, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके खुद के बेडरूम में कुछ नया करने रिनोवेशन करने के बारे में सोच रहे हो तो जो भी करना है सोच समझ कर करना है, कोर्ट कचहरी के मामले ना बढ़े, किसी को इन्वेस्ट करना है तो भी सोच समझ कर करें। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज येलो व्हाइट कलर, हो सके तो आपकी कुल देवी को जो भी मन्नत लेनी वो मन्नत ले लीजिए, आपका कार्य जहाँ पे आप रुके हो वो आपका कार्य सफल हो जाएगा। अभी आ रही है मीन राशि, तो मीन राशि ये वीक के लिए क्या कहती है, 13वां भाव दिखा रहा है तो 1, 5, 9 भाव से कनेक्टेड हुए, 1st भाव आप खुद के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, खुद अपने आप आनंद कीजिए और कुछ नया कीजिए, कुछ अपना मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को,
संतानों के बारे में टेंशन ले रहे हो, हस्बैंड के बारे में टेंशन ले रहे हो, तो वो सारी टेंशन ने छोड़ दीजिए। वो अपने आप कार्य भगवान ने जो बोला है वो अपने आप सोच समझ कर होने वाला है। नवा भाव दिखा रहा है तो कहीं आप फॉरेन जाने के योग बन रहे हो, फॉरेन जाने की सोच रहे हो, जधर्म की यात्रा करने के लिए सोच रहे हो, तक संतान के बारे में सोच रहे हो, तो ये कार्य कर सकते हो। लकी नंबर रहेगा आपका 1 नंबर 3 और 4 नंबर। हो सके तो घर की जो नॉर्थ ईस्ट दिशा है वहां पे आपको 11 पीली हल्दी की गांठी रखनी है और वहां पे पीले भगवान के पीले वस्त्र पहनाने हैं और वहां पे कोई भी लोखंड की चीज ना रखे ताकि आपको परेशानी ना हो। लकी नंबर रहेगा 1, 3 और 4 जैसे बताया। कलर भी ऑरेंज येलो और ब्लैक पर्पल कलर वो हो सकता है आपको। हो सके तो भगवान को पीले कलर की मिठाई धरा, पीला लड्डू धराए तो उससे काफी परेशानी दूर हो जाए। तो ये वीक के लिए न्यूज फॉर काठियावाड़ चैनल की ओर से सबको बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। मैं हूँ डॉक्टर हिना ओझा मुंबई से। मेरा मोबाइल नंबर है 9820692303। थैंक यू।